नाजायज ताल्लुकात बनी कत्ल की वजह फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत पेश आने वाले जाकिर अली मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। पता चला है कि पिछले 5 से 6 सालों से मोहम्मद जाकिर और शाहीन बेगम के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे थे। जाकिर की जानिब से बढ़ती हुई हवस और शाहीन बेगम की बेटी पर जाकिर की गंदी नज़र को मद्देनज़र रखते हुए शाहीन बेगम ने अपने शौहर और भाई के साथ मनसूबाबंद तरीके से यह कत्ल की वारदात अंजाम दी। वाज़ेह है कि शाहीन बेगम के साथ मक्तूल जाकिर के पिछले 6 सालों से नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे थे और ये भी पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से जाकिर शाहीन बेगम की 17 साल बेटी के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर शाहीन बेगम ने अपने शौहर और भाई के साथ मिलकर जाकिर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस कत्ल केस से मुतालिक फलकनुमा ACP यादगिरी स्वामी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खसूसी खिताब करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात बताई और कहा कि केस में मुलविस 3 में से 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी यानि मियां बीवी के जोड़े की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त मोहम्मद हाजी पाशा और शाहीन बेगम के तौर पर की गई है, जबकि शाहीन बेगम का भाई मोहम्मद शफी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। फलकनामा डिवीज़न में फलकनामा पुलिस स्टेशन में 21 तारीख में बोले तो 21st डेट एट अबाउट 23 आवर्स हम लोगों के एक इंफॉर्मेशन आए, एक मर्डर हुआ बोल के एक 150 को पहले कॉम्प्लेंट आए थे। उसके बाद वो 150 कॉम्प्लेंट फलकनामा PS वाले इंस्पेक्टर अजय रेड्डी रिसीव करके और महेश दोनों मिलके गए, वो रूम को सर्च करे, सर्च करते उसमें एक डेड बॉडी फाउंड है। हम लोग डेड बॉडी को हम लोग सरप्राइज थे सीइंग डेड बॉडी, तो हम लोग क्या करें, वो डेड बॉडी किसका है क्या है बोल के हम लोग वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद वहाँ एक मर्डर हुआ बोल के हम लोग को मालूम हुआ, तो डेड बॉडी को फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें। उसके बाद एक कॉम्प्लेंट लिए, जो हमारे साथ में है उसका फादर से कॉम्प्लेंट लेने के बाद केस रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन में अपन हम लोग को मालूम है कि मोहम्मद शफी बोल के एक आदमी है और हाजी पाशा बोल के जो सेकंड वाला है ये जो है, तो A3 है इसमें शहीन बेगम बोल के एक आदमी लेडी है औरत है नो, तो ये शहीन बेगम से नो डिसीज जो मर गया वो डिसीज को इलीगल इंटीमेसी है बोल के हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आए थे। तो एक 5 साल से दोनों के बीच में रिलेशन है और डिसीज का जो आदमी है उन्हों मोहम्मद जफर है, तो उसको शादी नहीं हुआ और 5 साल से ये लेडीज है शाहीन बेगम से लेकिन इंटीमेसी है और घर में भी बोले कहते उन्हों मैं शादी कर लेता हूँ, लेडीज को बोले तो घर वाले नहीं वो 5 बच्चे है उसको शादी नहीं करना बोलते नहीं सुना उन्हों, कभी कभी इसके घर पे घर को आके डिसीजन करके जा रहा है बोल के शाहीन बेगम क्या करे उसका भाई को फ़ोन करा, तो भाई कौन है इसमें बोले तो मोहम्मद शफी बोल के भाई है, भाई क्या करा मैं और ठहरा बोल के उस दिन 21st के दिन घर को आए, घर को आने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद इन्होंने आयरन पाइप से क्या करा इसको डिसीज्ड है मोहम्मद जफर को आयरन पाइप से मारा, सिर के ऊपर मारा तो उन्होंने बहुत खून निकल के वहाँ स्पॉट में डेड हो गए। तो हम लगा खबर आए तो हम लगा सीन ऑफ ऑफेंस को रेस हुआ, इंस्पेक्टर महेश और हम लोग मैं भी पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बाद अकीज को टुडे सन्नर एरिया में फिर तो हम लोग A1 A2 को अरेस्ट करे, इसमें A3 के बारे में हम लोग इंक्वायरी कर रहे तो ना अभी थोड़ा अपस्टैंडिंग है उसको भी पकड़ के हम लोग अदालत में प्रोड्यूस कर रहे। सर 5 साल के रिलेशन में तो फिर आप रिलेशन बताने के अंदर भी क्या है 5 साल के रिलेशन में, तो ये शहीन बेगम को 5 चिल्ड्रन है बोल के मैं बोला इसे, तो एक फर्स्ट वन इज ए सन है पूरा 4 डॉटर्स है, उसमें सेकेंड थर्ड थोड़ा अब वो लोग 16-17 ईयर्स का एज है, तो इन्हें क्या करा अक्यूज़र क्या करा ये बच्चे के साथ भी गलत काम करने को ट्राई करा, तो हाथ पकड़ना ये करना हाथ आजाना ये करना थोड़ा मिसबिहेविंग कर रहा, तो उसके मदर के ऊपर करा उन्होंने चल रहा इंटीमेशन चल रहा दो बच्चे भी है बच्चे के साथ भी थोड़ा इन्होंने मिसयूजिंग कर रहा बिहेवियर अच्छा नहीं था इसका, तो इन्होंने बोले भी शहीन बेगम बोले नहीं करना ऐसा मेरे से कर रहे ओके मैं उससे नहीं करना बोलते नहीं सुना है नहीं सुना, तो लास्ट क्या करा उसका भाई को बोला ऐसा ऐसा कर रहा मेरा साथ कर रहा मगर बच्चे के साथ भी ऐसे छुड़ा रहे, ये शहीन बेगम ने
जो शहन भाई मेरा तना घर पे उस दिन अकेला आके उसको डिस्टर्ब करना, हाथ पकड़ नो करना, ये करना बोल के ट्राई करा बच्चे भी बोला मैं हम लोग बात करे, तो इसलिए क्या करा कैसा भी इसको निकाल देना प्रॉब्लम का प्लानिंग करके उसको। उसका भाई आया था जब 21st के दिन, आने के बाद दोनों के बीच में गड़बड़ हुआ, गड़बड़ मार दिए और A1 इसमें मोहम्मद शहीन है, A2 ये शहीन भाई उनका हस्बैंड है, हाजी का पास है, दोनों का अरेस्ट करके अदालत में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मर्डर 21st के नाइट में 10:30-11 o'clock बीच में मर्डर हुआ। उन्होंने भाई क्या कर शहीन भाई का भाई मर्डर करके बाद गाड़ी पे चले गया। चले जाने के बाद क्या हुआ, वो ये लोग मेरिडियन होटल का एक रूम जस्ट 2 and a half months के पहले ले, जस्ट विद इन स्पैन ऑफ 2 months भी है वो लोग। 2 months लेने के बाद क्या करे, ये मर्डर होने के बाद भाई भाग गए, तो डेड बॉडी सामने का रूम में है, तो अंदर मियाँ है, बीवी है, हाजी पाशा है और उसका शहीन भाई का मैदान है, तो डेड बॉडी के क्या करना, कैसा डिस्पोज करना बोल के लोग कन्फ्यूज हो गए, पूरा खून पूरा रूम में पूरा स्प्रेड हो गए। तो लोग क्या करे, दरवाजा अंदर से बंद कर देके क्या करे, एक घंटे तक सोचे क्या करेंगे बोल के। तो वो लोग को समझ में आ गया, बोला तो कैसा भी प्रॉब्लम होता बाहर, अगर डोर ओपन कर दो बाहर वाले पूरा आ जाता बोल के क्या करे। ये लोग डायल हंड्रेड को फोन करे, उन्होंने शाहीन बेगम ही डायल हंड्रेड को फोन करे, ऐसा ऐसा हुआ बोल के। तो डायल हंड्रेड का इन्फॉर्मेशन हमको पुलिस वाले को आया था।